तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँ, आप एक यूट्यूबर हैं, अगर यूट्यूब के संबंधी आप वीडियो बनाते हैं तो आपको कैटेगरी कैसे चेंज करना है, आपकी कौन सी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अपनी वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी मोटिवेशन किया है कि आप एक बार कैटेगरी चूज कर देंगे या सेव कर देंगे कैटेगरी चूज करने के बाद, वो हमेशा कंटिन्यू बनी रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिले। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आप अगर एक यूट्यूबर हैं, आप कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसे किस कैटेगरी में रखना है, उसे किस कैटेगरी किस तरह आप सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपना चैनल लॉग इन कर लेंगे यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो पर आप आएँगे, यूट्यूब स्टूडियो पर एक स्टूडियो पर क्लिक कर देंगे, यूट्यूब स्टूडियो पर। उसके बाद आप ये देखो, मैंने यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये सोरा लॉगिन होने में खोलने में थोड़ा समय लग रहा है। ये देखो हमारा चैनल खुल गया। उसके बाद आप आएंगे लास्ट पर, लास्ट पर ये हमारा यूट्यूब चैनल खुल गया। उसके बाद आप आएंगे लास्ट पर सेटिंग, लास्ट पर आएंगे तमाम प्रकार के ऑप्शन हैं, आप आ जाएंगे लास्ट में सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप ये देखो जनरल जनरल तमाम प्रकार से हम अपडेट रिफ्रेश पर आ जाएंगे। उसके बाद एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। एडवांस सेटिंग करने के बाद ये देखो आपको कैटेगरी चूज करने को बता रहा है, आप किस कैटेगरी की वीडियो बनाते हैं, एंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो या कोई भी कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं इस कैटेगरी को आप चूज कर लेंगे। उस कैटेगरी को चूज करने के बाद कॉमेडी एंटरटेनमेंट कोई भी, अगर जिस कैटेगरी की आप जिस संबंधी आप वीडियो यूट्यूब पर बनाते हैं अपलोड करते हैं उस कैटेगरी को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कैटेगरी चूज करने के बाद उससे लास्ट में आएंगे, आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपना चैनल क्लोज कर देंगे। इस तरह की आप की कैटेगरी हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे।